Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exams. We can utilize this time by doing self study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start. Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome. प्यारे बच्चों हमारे YouTube चैनल एस्पायर अड्डा में आपको डेली अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है बहुत खुशी है आपके कमेंट सेक्शन देख के इतना प्यार मिल रहा है तो कैसे हमारी टीम बैठेगी खामोश रोजाना आपके लिए एक नया कुछ ना कुछ ला, लाएंगे हम और ऐसा लाएंगे जो अभी इससे पहले जम्मू कश्मीर की तारीख में YouTube में अपडेट नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो बच्चे नए हैं पहली बार देख रहे हैं पुराने सारे लेक्चर को देखिए और आज से हम एक नई सीरीज चला रहे हैं जितनी भी पुरानी सीरीज हैं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो कंटिन्यू रहेगा जे के करंट अफेयर तो कंटिन्यू रहेंगे अब वो डेली के तो नहीं है ना पुराने हैं इसलिए एक दो दिन के बाद वीडियो आएगी तो हम पूरी जीएस कम, कवर करेंगे और कंप्यूटर भी बहुत जल्द शुरू करने वाले तो आज हम पढ़ेंगे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज ये पिक कौन नहीं जानता इनको ये कौन नहीं जानता इनको किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे मैंने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है पहले सीएम थे और आज आम इंसान यही सीरीज हम पढ़ेंगे आगे यानी के रिलीजियस पॉलिटिक्स के साइंटिफिक डिस्कवरीज ज्योग्राफिकल स्पोर्ट्स हिस्टोरिकल सारे पर्सनालिटीज पढ़ेंगे खास खास बंदे अब इन खास बंदों में सबसे पहले तो आप नोटबुक पे मेरा नाम लिखिए क्योंकि सबसे पहले तो सवाल मेरे बारे में पूछा जाएगा कि बताओ जम्मू कश्मीर की फेमस पर्सनलिटी का क्या नाम है तो वो हमारा नाम लिखेंगे आप बहुत तो अच्छा चलो ऐसे ही जो क्या पार्ट आते हैं रिलीजियस पर्सनस के बारे में सबसे पहला नाम लल देद का आता है बचपन जब मैं छोटा था तो मैंने कहानी सुनी थी कि बेड़ू पके या बछड़ा लल्ला की किस्मत में वही बटा कहा जाता है कि इनको खाने में प्लेट के नीचे पत्थर रखा दिया जाता था और उसके ऊपर थोड़ा सारा खाना ताकि खाना ज्यादा दिखे मगर लल्ला ने क्या मजाल है कभी शिकायत की हो यह होता है सबर तो जिन्होंने सबर किया तो तारीख ने उनको बड़ा जबरदस्त मकाम दिया है सबसे पहले वही लल देद आते हैं तो लल देद के बारे में इनको लालेश्वरी भी बोला जाता है इनको लल्ला भी बोला जाता है ये ब्रह्मन फैमिली में पैदा होती हैं पंडित थान विलेज जो कि श्रीनगर के पास है इनको बोला जाता है फर्स्ट सेंट पोइटेस ऑफ कश्मीर साधु पोइटस ये हु नोन एज फर्स्ट सेंट पोइटस ऑफ कश्मीर तो कौन है वो लाल लल हैं इनके बारे में जो लल हैं ये परीच करते थे पोइम्स और इनकी पोइम्स को बोला जाता है वक या बोलते हैं वत्सुन तो बताइए किस कश्मीरी सेंट पोइटस की नज्मों को पोइम्स को वख बोला जाता है या वत्सुन बोला जाता है तो किसको बोला जाता है लल देद के पोईम को इन पे ये किताब देखिए लालेश्वरी लल देद मिस्टिकल पोइटस रऊफ अहमद ने किताब लिखी है लल देद के बारे में बहुत सब्र वाली खातून थी जबरदस्त इनके बारे में तारीफ की जाती है किताबों में मगर हमें पीएचडी नहीं करनी है हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है तो एक तो ये रिलीजियस है दूसरा इनको ललेश्वरी बोला जाता है ब्रह्मन फैमिली में पैदा हुए पंडरीथान विलेज में पहले सेंट पोइटस हैं ये कश्मीर की और इनकी पोइमू को बोला जाता है वक या बोला जाता है वत्सुन इन पे किताब लिखी जा चुकी है किसने लिखी है तो लिखी राउफ अहमद ने हर दिन के दो पर्सन को पढ़ेंगे ताकि आप पे बर्डन आ जाए अब आगे देखते हैं तो नूरुद्दीन नूरानी साहब के बारे में नूरुद्दीन नूरानी साहब का दूसरा नाम है अलम्दारे कश्मीर अलमदारे कश्मीर बोला जाता है इनको इनकी शराइन है चरार शरीफ चरार शरीफ इनकी शराइन है पैदा हुए ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में कहा पैदा हुए कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये बेटे हैं शेख सलाउद्दीन के तो शेख सलाउद्दीन के बेटे हैं इनकी जो प्रीचिंग थी या जो पोइम्स थी इनकी उनको बोला जाता है शुरुक या कोशिर कुरान बोला जाता है इनको शुरुक या बोलते कोशिर कुरान अब कोशिर कुरान का क्या मतलब होता कोशिर का मतलब होता कश्मीरी कशिर इस पैठन कोशिर कुरान का मतलब होता है कुरान यानी कि ये पहले ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कुरान को कश्मीरी में लिखा इनकी दो लाइनें मैं आपको बताऊंगा अनपोशी यली पोश ये लिखा इन्होंने इसका मतलब होता है फूड विल सरवाइव ऑनली वुड सरवाइव वुड सरवाइव यानी कि जब तक लकड़ी रहेगी तब तक खाना रहेगा ये पहले बंदे हैं जिन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया कश्मीरी में तो बताइए कौन पहला ऐसा बंदा जिन्होंने कुरान को कश्मीरी में ट्रांसलेट किया और एक खास बात सबसे जरूरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 2015 में किताब पब्लिश की जिस किताब का नाम है कलामे शेखुल अलम तो कलाम अलम किताब जो है ये किस पे है तो ये तीन सौ शुरु है नंद ऋषि के अच्छा एक बात भी मैं आपको बताऊं कि जो ये हैं नंद नूरुद्दीन नुरानी इनको अलमदार कश्मीर भी बोला जाता है और इनको नंद ऋषि भी बोला जाता है ठीक है ये बात याद रखनी है तो नुंद ऋषि पे किताब लिखी है इस किताब को उर्दू में ट्रांसलेट किया गुलाम मोहम्मद शाद गुलाम मोहम्मद शाद भी बहुत पॉलिटिकल और स्कॉलर लीडर रहे जम्मू कश्मीर के ये है नंद ऋषि साहब की चरार शरीफ बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है तो ये उनका टोम है यहां पे तो हम ऐसे करके पूरे हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज को कवर करेंगे हर दिन के दो आएंगे सिर्फ तो आप पूरा जे के का जीएस यहाँ पे पढ़ेंगे इसको कमेंट कीजिए हमें बहुत खुशी होती है अच्छे कमेंट पढ़ के थैंक यू सो मच वेल इट इज हार्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ आस ड्यू टू वायरस, वी हैव ब्रेक द सिचुएशन एज अलियर इट वॉज बट टाइम नेवर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम वी कैन यूटिलाइज दिस टाइम बाय डूइंग सेल्फ स्टडी एंड टेकिंग हेल्प ऑफ एस्पायर अडर यूट्यूब चैनल To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hurray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.